झारखंड में जेपीएससी पीटी परीक्षा को लेकर आंदोलन कर रहे जेपीएससी छात्र अब यहां आयोग के समक्ष पहुंचे हैं, क्योंकि आज इन्हें ओएमआर की कार्बन कॉपी लेकर बुलाया गया है। इस बात से ये छात्र नाराज हैं कि जब हमने परीक्षा दिया तो फिर कार्बन कॉपी की आवश्यकता क्यों पड़ रही अधिकारियों को। यहां देख सकते हैं आप, ये नज़ारा जेपीएससी कार्यालय का है, झारखंड लोक सेवा आयोग के का कार्यालय का है, जहां जेपीएससी छात्रों को आज ओएमआर की कार्बन कॉपी लेकर बुलाया गया है और इनसे पूछा जा रहा है कि रिजल्ट कैसा था, क्या था और क्या कुछ रिपोर्ट थी। तो यहां छात्रों का कहना है कि जब हमने परीक्षा लिखा, सारा कुछ कागजात आपके पास है, सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, तो फिर इस कार्बन कॉपी की आवश्यकता क्यों पड़ी। मनोज जी, अभी आप लोग यहाँ पर आए हैं, जेपीएससी के छात्रों को बुलाया गया है, क्या कुछ कह के बुलाया गया और क्या है ये पूरा? इन लोगों को, छात्रों को पर्सनली फ़ोन करके और ईमेल के द्वारा बोला गया कि आप अपना अपना जो कार्बन कॉपी ओएमआर सीट है उसको लेके आइए। हमारा कहना है कि जब आपको ओएमआर सीट लाने की क्या ज़रूरत है, मंगाने की क्या ज़रूरत है, ओरिजिनल कॉपी तो आपके पास में है, जो परीक्षा दिए थे तो वो जमा हुआ होगा। और अगर यदि इस प्रकार के बावजूद भी बुला रहे हैं, इसका मतलब आपके पास में ओरिजिनल कॉपी नहीं है। और ओरिजिनल कॉपी नहीं है मतलब कि आप पूरा रिजल्ट जारी किए हैं, आप बिना कॉपी चेक किए हुए जारी किए हैं, इसलिए आपका रिजल्ट गलत है। जेपीएससी ने जो गलती की है उसी के लिए हम लोग 37 दिन से धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे, है ना। और पता चला है कि जेपीएससी ने जो कैंडिडेट साहिबगंज लोहरदगा से जो पास किए हुए हैं, है ना, उसको मेल के द्वारा और फ़ोन के द्वारा उसको बुलाया गया है, है ना, कि उसको ओमार सीट को द्वारा मांगा गया यहाँ पे। जब जेपीएससी ने ओमार सीट जारी किया है, उसका ओरिजिनल कॉपी जब उसके पास है, तो फिर द्वारा इसको क्या जरूरत पड़ा कि कैंडिडेट से ओमार सीट मांगने की जरूरत पड़ रहा है। बिल्कुल, तो जेपीएससी अभ्यर्थी जहाँ पिछले 39 दिन से आंदोलनरत थे, ऐसे में आज इन्हें ओएमआर की कार्बन कॉपी लेकर आयोग द्वारा बुलाया गया है। देवेंद्र जी, आज बुलाया गया आप लोगों को यहाँ, जेपीएससी छात्रों को ओएमआर की कार्बन कॉपी के साथ, क्या लगता है कि क्या कुछ जांच पड़ताल और क्या मुलाकात हो रही है? आज रिजल्ट के 39 दिन बाद बुलाया जा रहा है, तो इन्होंने इससे यही संदेश और प्रतीत होता है कि आपके पास रिजल्ट दिया हुआ 39 दिन हो गया, तो आपने कॉपी जांच किया होगा, आपके पास ओएमआर का ओरिजिनल होगा। और यदि आज आप कार्बन कॉपी मांग रहे हैं तो आपके पास नहीं होगा, तो आपने कॉपी भी जांच नहीं किया होगा। मैंने पैसा लेकर रोल नंबर देख के आप रिजल्ट जारी कर दिए हैं, ये देखिए क्या हो रहा है राज्य के सबसे बड़ी संस्था में। इसीलिए मुख्यमंत्री महोदय, इसको अब रद्द कर दीजिए, ये अब नहीं चलेगा ये रिजल्ट पूरी तरह। ये आज छात्र छात्राओं के साथ छात्राएँ भी हमारे साथ मौजूद हैं जेपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन। तो 15 तारीख को आप लोग जैसा योजना बना रहे हैं, आज यहाँ बुलाया गया है, क्या कहकर बुलाया गया और क्या बोल रहे हैं अधिकारी? एक्चुअली मैं पासिंग स्टूडेंट ही हूँ, मुझे मैसेज नहीं मिला है, ठीक है। मैं यहाँ पे जो हो रहा है, कार्बन कॉपी लेकर के बुलाया गया, जब इनको हम लोग कार्बन कॉपी दिए 115 वाले क्वेश्चन के लिए पास हुए, तो उसको ये बोले कि कार्बन कॉपी वैलिड नहीं है। आज कार्बन कॉपी वैलिड हो गया, आपको जब ज़रूरत हुआ तो वैलिड हो जा रहा है, और जब हम उसी को प्रूफ के तौर पे आपको दे रहे हैं तो वैलिड नहीं हो रहा है, कहाँ तक? जिन छात्रों को यहाँ बुलाया गया ओएमआर कार्बन कॉपी के लिए, उनके चेहरे काफ़ी मतलब चिंतित दिख रहे हैं, तो क्या लगता है? हो सकता है अंदर में डराया गया होगा, क्या बोला गया होगा, क्योंकि वो निकल रहे हैं और भाग रहे हैं, किसी से मतलब इंटरेक्ट करने का कोशिश नहीं कर रहा है, तो होना वो कुछ तो होगा ना, वो कोई भी बात नहीं करना चाहता। आज जैसे कि कार्बन कॉपी लेकर बुलाया गया है, आज कार्बन कॉपी लेकर बुलाया गया है, तो ऐसे में लगता है कि कुछ गड़बड़ है, क्या है? वह बिल्कुल गड़बड़ है ना यहाँ पे। और जो चेयरमैन साहब, वो मीडिया में कुछ बोल नहीं रहे हैं कि क्या हो रही है। अचानक से इनको जारी किया गया था, हम लोग को रात में सूचना मिला किस तरह का खेल हो रहा। और मैं बताना चाहता हूँ कि आपको आश्चर्य होगा कि 64 क्वेश्चन ला के बच्चा पास है। उसको पता भी नहीं था कि 64 में तो उसको देखेगा भी नहीं ना कोई, अपना रिजल्ट भी नहीं देखेगा कि हो ही नहीं सकता, बट वो पास है। उसका भी हम लोग, वो भी बहुत जल्द हम लोग इतना कुछ था, कट ऑफ मार्क्स क्या था और कितने में पास थी, क्या कुछ था? कट ऑफ तो 130 था, 130 क्वेश्चन था, और उसका सिर्फ 64 क्वेश्चन सही हुआ है। तो सोचिए कि
कितना बड़ा धांधली यहाँ पे चल रहा है। बिल्कुल, तो लंबे समय से सातवीं से जेपीएससी पीटी परीक्षा का विरोध कर रहे जेपीएससी छात्रों ने छात्रों को आज यहाँ कार्यालय में ओएमआर की कार्बन कॉपी लेकर बुलाया गया है, लेकिन छात्र इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते, इस बात से नाराज हैं कि आखिर गुप्त रूप से अधिकारियों ने इन्हें क्यों बुलाया है। अंदर जाने वाले जो छात्र हैं वो भी उनके चेहरे में भी शिकन देखने को मिल रही है और वो मीडिया के सामने कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। अब जरूरी है कि सरकार को इस ओर गंभीरता से ध्यान देते हुए इस परीक्षा को लेकर कोई सकारात्मक कदम उठाए। अपने सहयोगी नवल कुमार के साथ मोइजुद्दीन, समाचार प्लस रांची। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।